इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दोनों कांग्रेस की सदस्यता हासिल करेंगे। हाल ही में राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मुलाकात करी थी। विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है, वहीं बजरंग पुनिया को बादली से टिकट दिया जा सकता है। 5 अक्टूबर से हरियाणा चुनाव का जो है ऐलान किया गया है, 5 अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी। और उसको लेकर अगर आप देखें तो काफी समय से ये खबर चल रही थी कि विनेश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन विनेश इन खबरों को लगातार झूठा बता रही थी, लगातार खारिज कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में जब वो किसान आंदोलन में शामिल हुई थी, जो किसान आंदोलन अभी एक सप्ताह पहले इस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया था, उसमें कहीं ना कहीं गई हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर तब भी खारिज कर दिया था कि अभी मैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तब भी उन्होंने बोला कि देखिए मैं यहाँ पर अभी एज ए किसी अलग मसले को लेकर आई हूँ, तभी आप उस पर फोकस रखिए, चुनाव को लेकर अभी नहीं, मैं देश की बेटी हूँ और यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियल ऐलान होने वाला है थोड़ी देर में कि कांग्रेस में वो शामिल हो जाएंगी और टिकट को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो डिमांड थी उसको लेकर चीज़ें लेट हो रही थी। बजरंग पुनिया और यहाँ पर विनेश के अपने अपने विचार थे कि उन्हें कहाँ से टिकट दिया जाए, फाइनली उस पर मुहर लग चुकी है और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो ये कन्फर्म थोड़ी देर में हो जाएगा। और एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से पैरिस ओलंपिक में चीज़ें घटी विनेश के साथ, उसके बाद जब वो वापस लौटे, जिस तरीके से वहाँ पर उनका स्वागत किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वहाँ पर एक तरीके से पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया, उसके बाद भी ये खबर आई कि लग रहा है कि शायद कुछ तो ऐसी खिचड़ी पक रही है, कुछ तो ऐसा मसला है कि शायद यहां पर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो कुछ बयान भी ऐसे रहे थे जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और जो बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, इनके कहीं ना कहीं विचार जो है ऐसा लग रहा है कि एक ही रास्ते पर जा रहे हैं और फाइनली यहां पर अब से थोड़ी देर में मुहर लग जाएगा, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भी। अब देखना पड़ेगा कि इसके बाद के आगे की राहें क्या होती हैं, जैसी और अपडेट आती है आप तक जानकारी लेकर आएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विनेश फोगाट ने फाइनली एक बार फिर से आपको बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से थोड़ी देर में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, इस बात की पुष्टि एक इंटरव्यू में खुद बजरंग पुनिया ने कर दी है। तो थोड़ी देर में इस बात को ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा।